तो दोस्तों काफी भाइयों को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि जब वो अपनी प्लेस्टेशन 2 के अंदर किसी भी गेम को रन करने जाते हैं यूएसबी पेन ड्राइव के थ्रू, तो उनको जब वो यूट्यूब पे इस टॉपिक को सर्च करते हैं तो काफी उनके सामने ऐसे मेथड निकल के आ जाते हैं लाइक जैसे यू लॉन्च, ओपीएल और फ्री एमसी बूट। अब उन लोगों को पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली में ये चीजें होती क्या है और उनको किस तरीके से यूज करना है। तो आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आप इसको बिल्कुल वन क्लिक में फिक्स कर लेंगे। आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली यहाँ पे, ना ही आपको ओपीएल की जरूरत पड़ेगी, ना ही फ्री ये एमसी बूट की और ना ही यू लॉन्च की। तो बात करें तो ये किस तरीके से प्रोसेस होगा, ठीक है, मैं आपको इतनी स्क्रीन पे दिखाता हूँ पीसी की। और देखिए वीडियो को स्किप जरा भी किया तो आप बिल्कुल भूल जाएंगे, आपको चीज समझना है, मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो फिर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं कोई जवाब नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको शुरू से समझाऊंगा बिल्कुल ABCD से, ठीक है। ये हमारी PS2 है, ठीक है, तो ये एक स्लिम मॉडल है, आपके पास कोई भी मॉडल हो, ठीक है, मैटर नहीं करता। अब यहाँ पर एक PS2 है, लाइक मुझे इसमें कोई गेम खेलनी है, मान लीजिए मुझे स्मैकडाउन पेन खेलनी है, ठीक है, तो ये मेरी एक PS2 की गेम है जो कि मैंने कहीं से भी डाउनलोड कर ली, गूगल पे काफी वेबसाइट है। आप गेम का नाम लिखेंगे और पीछे ISO फाइल लिखेंगे तो इस तरीके से एक ISO फाइल आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। ये चीज हो जाती है, यहां तक क्लियर हो गया, यानी आपको एक गेम खेलनी थी आपने उसे गूगल से डाउनलोड कर लिया। और उसके बाद बात आ जाती है एक USB पेन ड्राइव की, उस गेम को हमें USB पेन ड्राइव में पहले कॉपी करना होता है। तो इस तरीके की पेन ड्राइव आप कोई भी ले सकते हैं और मैंने इस पे एक वीडियो बना रखा है, यहाँ पे आपको पॉपअप मिल जाएगा ऊपर, और इसी वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप वो वीडियो पूरा देख लें और समझ लें कि किस तरीके से गेम को जो पेन ड्राइव में कॉपी करना है। पहली चीज ये हो जाती है, आपको गेम को पेन ड्राइव में कॉपी करना है, यहां तक की बात हो जाती है। अब मैं इसे क्लोज करूंगा और उसके बाद मैं आपको चीज समझाता हूं। अब यहां पे एक्चुअली होता क्या है, देखिए यू लॉन्च, काफी भाइयों को यू लॉन्च का मतलब नहीं पता होता है, तो यू लॉन्च एक्चुअली में है क्या, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बट थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है, आपको सब कुछ समझ में आएगा, डिटेल वाइज समझाऊंगा। तो यहाँ पे यू लॉन्च, अब यू लॉन्च को लोग समझ नहीं पाते कि एक्चुअली में ये है क्या। अब ये दोस्तों एक तरीके का फाइल मैनेजर है, लाइक जैसे अपने फोन में होता है फाइल मैनेजर, आप कोई भी फाइल को उठा के दूसरे फोल्डर में कॉपी करते हैं, डाउनलोड करके किसी फोल्डर में कॉपी करते हैं, तो आप कहाँ पे जाते हैं, फाइल मैनेजर में ऑब्वियसली। तो वैसे ही ये एक तरीके का फाइल मैनेजर है जो अपने प्लेस्टेशन 2 का होता है, तो ये पहले से उसमें इंस्टॉल नहीं होता है, ये आपको अपनी मेमोरी कार्ड के अंदर कॉपी करना होता है, उसके बाद ही अपने प्लेस्टेशन 2 में ओपन होता है। तो ये हो जाता है फाइल मैनेजर, इसके थ्रू आप कोई भी फाइल को मैनेज कर सकते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई, उसके बाद बात आ जाती है ओपीएल की। ओपीएल क्या है, ओपीएल का फुल फॉर्म होता है ओपन PS2 लोडर। अब इसका काम कहां पे पड़ता है, क्योंकि जब भी हम कोई पेन ड्राइव के अंदर गेम को कॉपी करते हैं तो उसे रन करवाने के लिए हमें इसको ओपीएल को ओपन करना होगा, तभी हमारी पेन ड्राइव को वो शो करेगा, वरना हमारा जो PS2 होता है वो पेन ड्राइव को शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है, तो ओपीएल की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हम गेम को रन कर सके। एक तरीका का वो एक एमुलेटर होता है, मतलब कि आपकी पेन ड्राइव को शो करवा देता है और गेम को रन करवा देता है, तो ओपीएल की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है। अगर आपके PS2 में हार्ड डिस्क लगी है तो आपको ओपीएल की जरूरत ही नहीं है, वो तो डायरेक्टली रन हो जाएगा। तो बात ये हो जाती है, ओपीएल का मतलब ये होता है, मैं इसे भी क्लोज कर दूंगा। देन फ्री एमसी बूट क्या होता है, फ्री एमसी बूट मैं आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए फ्री एमसी बूट कुछ इस तरीके का होता है। अब मैंने एक वीडियो बताया इसके ऊपर ऑलरेडी बना रखी है, फ्री एमसी बूट के ऊपर किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है। तो फ्री एमसी बूट में क्या होता है दोस्तों, कि आपके ये जो दोनों थे ओपीएल और यू लॉन्च, ये दोनों आपके एमसी बूट के अंदर आ जाते हैं, और भी फाइलें आती हैं बट आपको उन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, आपको काम किसका है, एक ओपीएल का एक यू लॉन्च का। इन दोनों का क्या काम है, जो है यू लॉन्च से आप फाइल को मैनेज कर सकते हैं, यानी अपनी जो भी फाइल होगी उसको इधर उधर करना, तो आप फाइल मैनेज के लिए अपना जो है यू लॉन्च को इस्तेमाल कर सकते हैं, और ओपीएल को आपको गेम को रन करने के लिए यूज करना पड़ता है। तो आज मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ इसमें आपको इन तीनों चीज की जरूरत पड़नी नहीं वाली है, सिंपल सा एक मेथड है, आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ पे थोड़े से पैसे लगने वाले हैं आपके, मतलब अगर आप 800 रुपये तक के खर्च कर सकते हैं, तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, मैं अपना फ़ोन कनेक्ट कर लूँगा, मेरे पास यहाँ पे नेट नहीं है। चलिए दोस्तों अब मेरी स्क्रीन पे मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया, अब यहाँ पे मैं PS2 की जो है यहाँ पे लिखेंगे PS2 मेमोरी कार्ड, ये मेमोरी कार्ड, और यहाँ पे आप लिख देंगे पीछे FMCB। और एक वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं किसी वेबसाइट का यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी वेबसाइट को, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे आपको सबसे सस्ती मिल जाएगी। अगर आप अमेजोन पे जाएंगे तो वो काफी महंगी मिलेगी। अब यहाँ पे आप अगर आप अमेजोन पे जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अमेजोन पे जाएंगे तो इसकी प्राइस काफी ज्यादा होती है। देखिए यहाँ पे 3,700 में दो मेमोरी कार्ड आपको दे रहा है फ्री एमसी बूट वाली, जिसके अंदर सब कुछ होता है, लाइक जैसे आपको ओपीएल चाहिए, फ्री एमसी बूट चाहिए, कुछ भी इसके अंदर सब कुछ होगा। आपको किसी चीज को कहीं से डाउनलोड नहीं करना है, ना ही कोई मसला मसाला आपके दिमाग में लाना है, ना कोई से कुछ फाइल उठानी, ना कुछ करना है, ना कोई वीडियो देखनी, आपको सिंपल सा आपको ये मेमोरी कार्ड मंगवा लेना है। बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप यहाँ से ना मंगाएं, क्योंकि अमेजोन पे काफी ये महंगी मिल रही है। आपको मैं दिखाता हूँ, आप एक ये वेबसाइट है गेम प्लानेट, सेकंड नंबर पे लिंक आपको मैं ये लिंक भी आपको दे दूंगा, और यहाँ पे सेकंड नंबर पे भी शो हो रहा है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ।
अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये 8 MB की मेमोरी कार्ड है और 8 MB इसके लिए इनफ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 849 में, मतलब 850 रुपये के समथिंग में आपको ये मेमोरी कार्ड मिल रही है। और इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए आप फ्री MC बूट, और फ्री MC बूट इसके अंदर पहले से इंस्टॉल है, तो आपकी सारी फाइलें जितनी भी थी, यानी कि यू लॉन्च, OPL और भी बहुत सी फाइलें होती है जिनकी आपको जरूरत पड़ सकती है आगे, तो वो सारी फाइलें इसके अंदर ही आएगी। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये मेमोरी कार्ड मंगवा लेनी है। और मेमोरी कार्ड मंगवाने के बाद क्या करना है मैं आपको वो बताता हूँ, यहाँ मैं इसे मिनिमाइज कर दूंगा। अब लाइक जैसे आपने मेमोरी कार्ड को मंगवा लिया, ठीक है। अब मेमोरी कार्ड में एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप मेमोरी कार्ड मंगवाते हैं कोई भी PS2 की, तो देखिए यहाँ पे फर्क आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि कॉपी भी मिलती है और ओरिजिनल भी मिलती है। अब जब इस तरीके की आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, अगर आपको इस तरीके की मेमोरी कार्ड दिखती है तो आपको इसे इग्नोर करना है, ठीक है, इसे नहीं मंगवाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये जो होती है डुप्लीकेट होती है। अब इसमें डुप्लीकेट में चल तो जाएंगे, आपके सारे काम हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जब आप किसी गेम को खेल के उसका गेम का जब आप सेव करते हैं और फिर आपने PS2 बंद कर दिया, और नेक्स्ट टाइम आपने जब फिर से PS2 ऑन किया और मेमोरी कार्ड लगाई, तो आपका लोड गेम शो नहीं होगा। काफ़ी बार ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है, और कुछ गेमों में होती है, कुछ गेमों में नहीं भी होती है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा इग्नोर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपको सिर्फ अपना MC बूट का काम निकालना है तो आप मंगवा सकते हैं इसे। और यहाँ पे इस तरीके की अगर मेमोरी कार्ड आती है, जिसमें देखिए उस तरीके से पूरा डिटेल में लिखा होता है, कलर ग्रेडिंग वगैरह सही से होती है, प्रिंट वगैरह परफेक्ट होती है, कंपनी का लोगो वगैरह लगा होता है, तो ये मतलब कि ओरिजिनल मेमोरी कार्ड होती है, ठीक है। तो आपको इसे मंगवाना जरूर से, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ये दो चीज़ हो गई। अब बात कर लेते हैं, अगर हमने गेम डाउनलोड कर ली तो हमें क्या करना होगा। देखिए गेम डाउनलोड कर ली, मैंने बताया था पेन ड्राइव में उसको कॉपी कर लेना है, किस तरीके से कॉपी करना है वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देख लेना किस तरीके से कॉपी करना, पता चल जाएगा। उसके बाद मेमोरी कार्ड को आपको जो है PS2 में लगा देना है, मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए PS2 है, और यहाँ पे देखिए इसका पोर्ट है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, मुझे कैमरा शो नहीं हो रहा थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं USB का पोर्ट है, ठीक है। तो USB का पोर्ट होता है, वहाँ पे आपको अपनी जो USB मेमोरी कार्ड होती है जिसमें आपने गेम कॉपी किया था उसे वहाँ पे लगाना है, और जो आपकी PS2 की मेमोरी कार्ड होगी वो यहाँ पे लगाना है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है मेमोरी कार्ड, ठीक है, तो फर्स्ट स्लॉट में लगाएंगे। उसके बाद आपको अपना जो PS2 का R1 बटन होता है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके से जो R1 बटन होता है उसको दबा के रखना है, होल्ड रखना है, और अपने PS2 को रिस्टार्ट करना है, ठीक है। रिस्टार्ट कर देंगे तो OPL यानी कि फ्री MC बूट लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। और अब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आप मेमोरी कार्ड मंगा रहे हैं तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, आपके PS2 के अंदर जब भी आप उसे ऑन करके ऑफ करते हैं, यानी कि जब भी आपकी स्क्रीन ऑन हो जाती है, जब भी आप उसे ऑन कर लेते हैं रिसेट, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए जब भी आप अपने PlayStation 2 को खेलने के लिए चलाते हैं, यानी कि उसे ऑन करते हैं, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक मैट्रिक्स लिखा होगा, लोगो आता है मैट्रिक्स, जिस पे लिखा होता है मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर मैट्रिक्स लिखा हुआ है लोगो आता है तभी आपको ये मेमोरी कार्ड मंगवानी है। अगर देन अगर मैट्रिक्स लिखा हुआ लोगो नहीं आता है तो आपको मेमोरी कार्ड नहीं मंगवानी, क्योंकि आपके PS2 में जो गेम नहीं चलेगी। ये सिंपल सा मेथड हो गया। तो मैट्रिक्स की चिप अगर आपको लगवानी हो तो आप कोई भी PlayStation की शॉप पर जाके उनके से कह सकते हैं कि हमें मैट्रिक्स की चिप इंस्टॉल करवानी है, तो वो इजीली इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। कुछ बेसिक सा चार्ज लेंगे आपसे, जो भी होगा वो आपको बता देंगे, और वो मैट्रिक्स की चिप जो है इंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद आप अपना ये प्रोसेस कर सकते हैं जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो इतनी बात हो जाती है। और दोस्तों इसमें मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, आप मेमोरी कार्ड के थ्रू गेम अगर खेलते हैं तो थोड़े सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि क्या होता है अगर आप लोकल मेमोरी कार्ड का यूज़ करेंगे, यानी पेन ड्राइव, जो USB पेन ड्राइव की बात कर रहा हूँ, अगर आप लोकल USB पेन ड्राइव का यूज़ करेंगे तो उसकी रीड एंड राइट स्पीड काफ़ी कम होती है। तो वहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि जब आप गेम को खेलेंगे तो गेम थोड़ी सी लैग हो सकती है, गेम फ्रीज हो सकती है। लेकिन वहीं पे अगर आप एक SSD यानी कि जो हार्ड डिस्क होती है, अगर हार्ड डिस्क का यूज़ करते हैं तो आपका काम ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, उसमें गेम कभी भी लैग वगैरह नहीं होती और बहुत ही मक्खन की तरह चलती है। और अगर आप पेन ड्राइव में ही खेलना चाहते हैं तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप HP या एक कोई अच्छे ब्रांड की एक मेमोरी या पेन ड्राइव लें, जो कि USB पेन ड्राइव होती है, एक अच्छी कंपनी की लें, तो उससे क्या होगा आपकी गेम वगैरह लैग नहीं होगी काफ़ी हद तक की, और बहुत ही स्मूथ चलेगी, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं फिर ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।